पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो से आप रह सकें बाखबर। जी नाज़रीन, इस वक्त पीटीआई के सपोर्टर जो है, हमें मिठाई उन्होंने खिलाई है और वो कह रहे हैं कि नून लीग वाले हमेशा मिठाई में जल्दी कर देते हैं, लेकिन हम लोगों ने ये मिठाई तसल्ली से खानी है। ये पीटीआई के सपोर्टर कहने पे हम लोग मिठाई खा रहे हैं, इनके सपोर्टर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। सर क्या कहेंगे आज का जो फैसला है, इस वक्त पीटीआई पूरे पाकिस्तान में जश्न मना रही है, क्या कहेंगे? हमारी पीटीआई जो है तहरीक इंसाफ उसका नाम है। तहरीक इंसाफ का मतलब है कि इंसाफ करना। हम इंसाफ पे मुबनी है और इंसाफ चाहता है। हम इमरान खान के साथी हैं। इमरान खान जो है इंसाफ का तलबगार है। हम इम्पोर्टेड हुकूमत को नहीं मानते। ये इम्पोर्टेड हुकूमत अमेरिका के कहने पर यहाँ हमारे पर मुसलत की गई है। हम इसको नहीं मानते। हम इमरान खान के आज भी साथ हैं, कल भी साथ हैं और साथ रहेंगे इंशाल्लाह। उसका इशारा हो गया, हम जान इशार बहुत हैं। लेकिन आज का जो फैसला है, मैं जजों को सलाम करता हूँ, वेलकम वेलकम। चाहे हमारा पीटीआई का कोई वर्कर हो, कोई अहदेदार हो, कोई मेंबर हो, कोई एमएनए एमपीए हो, कोई वज़ीर हो, अगर वो गलत है उसके खिलाफ़ भी कोई फैसला हक का आता है, उसको तस्लीम करते हैं हम। अच्छा ये बताइएगा, आप कराची नॉर्थ कराची में UC1 के इस वक्त उम्मीदवार हैं काउंसलर के, लास्ट में क्या मैसेज देंगे खान साहब को और पीटीआई के सपोर्टर को एज अ कराची के कराची की तरफ से? सर मेरे इमरान खान को एक गुजारिश है कि हमें जो अल्लाह पाक करेगा इंशाल्लाह के ये वज़ीर आज़म बनेगा और हमें फ़ंड दिया जाएगा। जिन जिन लोगों ने 15 साल लूटा है, पीपल्स पार्टी नून और एमक्यूएम, उनका कारनामे देखे हैं, जो आज उनके साथ कोई नहीं है। हम इस कॉलोनी को, शाहनवाज भुट्टो कॉलोनी, UC1 को इंशाल्लाह पेरिस बनाएंगे। कहाँ जो जैसे बहुत शुक्रिया, जैसे के नॉर्थ के इलाके डिफेंस के लाएंगे, ऐसे होना चाहिए। फंड जो होगा वो इंशाल्लाह हमारा यूसी का जो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, काउंसलर, इस फंड इस कॉलोनी पे लगेगा, ये बाहर नहीं जाएगा। बहुत इंशाल्लाह वेलकम। हमारे साथ इस वक्त वाइस चेयरमैन मौजूद है, उनसे भी पूछते हैं और दीगर इनकी टीम से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या कहेंगे आज का पीटीआई के हक में जो फैसला है पाकिस्तान की अदलिया की तरफ से? नून लीग इस वक्त मातम कर रही है और पीटीआई के लोग जश्न मना रहे हैं, क्या कहेंगे इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, क्या मैसेज देंगे? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल का। और उसके बाद आज का जो फैसला था वो फैसला था हक का फैसला, तो अवाम की मुस्तकबल का फैसला था। जो आज हक और सच का फैसला हुआ, मैं जजेस और अदलिया को सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने हक और सच का साथ दिया और पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में जदोजहद की हमारे साथ मिल गए। और बाकी रहेगी बात नून लीग की, नून लीग का जरदारी ने बिल्कुल ख़ात्मा कर चुका है। जरदारी खुद तो निकल गया दुबई और नून लीग को सफ़े मातम में मिटा के चला गया। और उसके अलावा आप मिठाई खाने में सबसे ज़्यादा जल्दी जो होती है वो नून लीग की होती है। आपने देखा भी है कितनी दफ़ा मिठाई उन्होंने पहले ऑर्डर दे दिया, फिर वापसी करने जाते हैं तो वो कहते हैं जी मेरी मिठाई वापस नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने कभी भी अदलिया के फैसले को मुस्तरद नहीं किया। आज आप जिस तरह से देख रहे थे कि अदलिया के फैसले को बायकाट कर रहे थे वो लोग, नून लीग वालों ने कहा कि हम इस जजेस के फैसले जो है, अदलिया के फैसले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बायकाट कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के ख़िलाफ़ भी फैसला आया तो इमरान खान ने हंस के खुल के कबूल किया उस फैसले को और तस्लीम किया, और यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी कामयाबी।